कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें एक, और ये रियल कहानी है, ठीक है, बिल्कुल मतलब ये समझो उबली हुई कहानी सुना रहा हूँ मसाले बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, उबली हुई कहानी है। जो ये बच्चे बार बार कहते हैं ना, हाउ मच लेक्चर्स आर लेफ्ट, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये जो बच्चे होते ना, मेरे को अभी लगा कि ये जल्दीबाजी का जो चक्कर है ना मेरा, हम लोग दोस्त ना वैष्णो देवी गए थे, ठीक है, वैष्णो देवी हम लोग आई थिंक 12th जब हमारा सबका कंप्लीट हो गया था उसके बाद हम चार दोस्त थे, ठीक है, खटाना, इलवान, चौबे और मैं, हम चार दोस्त थे, ठीक है। हम लोगों ने कहा यार वैष्णो देवी जाते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं घूमना था और घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, फॉर ऑब्वियस ही बात है, चार अजीब सी शक्ल वाले लड़के घूमना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जेल जाएंगे। तो पापा मम्मी थोड़े सभी के स्केप्टिकल थे कि यार जाने नहीं देंगे इन बच्चों को अलग से, अभी तो 12वीं पास हुई है। तो हमने सबने प्लान बनाया कि भाई बुलावा आया है अब बुलावा आया है तो फिर ऑब्वियस ही बात है पापा मम्मी थोड़ा ना पीछे में पड़ सकते हैं, ठीक है, दिव्य शक्ति आ गई। अब हमने कहा पापा मम्मी हम लोगों को घूमने, मतलब घूमने नहीं, हम लोगों ने अपने पेपर अच्छे से दे दिए हैं, आगे की जर्नी बस माता रानी हमारी संभाले। तो हमने सबके पापा मम्मी के आंखों में ना बिल्कुल ऐसे, पापा मम्मी के आंखों ने बिल्कुल ऐसे पानी से भर दिए थे, इतने इमोशनल फ्रंट पे, ठीक है। हमने बहुत मतलब 3-4 दिन पहले सबने पूजा पाठ स्टार्ट कर दिया। पापा मम्मी को लगा कि भाई इन लोगों में ऐसा चेंज कैसे आ गया, ठीक है। घर वाले पूरे सेंटे हो गए, पापा कह रहे भाई तू पैसे ले और जा, ठीक है, बुलावा आया है तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है, माता रानी ने बुलाया है। तो भाई हम लोगों ने टिकट विकट सारे लोगों ने करा ली, ठीक है, ये आंखों वाला थोड़ा मसाला था निकाल देना, उबली कहानी सुनानी थी तुम्हें बेसिकली उस बच्चे के लिए, ठीक है। तो भाई आपको भी पता है चढ़ाई में टाइम लगता है एंड ऑल, तो हम लोग कटरा स्टेशन पे पहुंचे, ठीक है, हम चार लोग थे, ठीक है, मैं अकेले पहली बार ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, और मेरे ख्याल खटाना और पिलवान भी पहली बार ट्रेवल कर रहे थे, चौबे एक बार जा चुका था, ठीक है, वैष्णो देवी। अब उसको पता था कि भीड़ भाड़ सी होती है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, भीड़ तो होगी वहां पर, ठीक है। हम जैसी स्टेशन पे उतरे, हम लोगों का प्लान था 3-4 दिन का, हम लोगों ने क्या प्लान करा था, एक दिन चढ़ाई का, ठीक है, एक दिन ऊपर रेस्ट, ठीक है, फिर एक दिन नीचे आने में लगेगा इतना आराम आराम से, और एक दिन घूम के, ठीक है, घूम के वापिस आ जाएंगे। 4 दिन का हमारा ट्रिप था, ठीक है। भाई साहब चौबे भाई साहब ने जो बत्ती लगाई सब में, स्टेशन पे उतरे हैं, भाई जल्दी चलो ये आखिरी बस है, अरे जल्दी चलो नहीं तो मिलेगा नहीं हमारा 5-6 घंटा यहाँ वेट। हम सारे पैनिक करने लग गए, हम पहली बार गए हैं, हमने कहा भाई बैठो 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 बैठो, बस में बैठ गए, चलो ठपर ठपर पहुंच गए, ठीक है, कटरा पहुंचे, शायद कटरा से ही वो है रास्ता है ना, वहां पहुंच गए। तो कह रहा, अरे देखो कितनी लंबी लाइन है यार, टिकट लेनी पड़ेगी, जल्दी चलो। हम सारे अपना वो लेके जल्दी जल्दी लाइन में लग गए। बंदर आया भाई साहब, आधे केले लेके भाग गया मेरे, ठीक है, बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है। हम गए तो हमने कहा यार भाई बहुत भाग दौड़ होगी, थोड़ा सा रुक जाते। कह रहा भाई अर्धकुंवारी तक चलने में कम से कम 4-5 घंटा लगेगा, फिर वहां लंबी लाइन होती है, ठीक है। हम टेंशन में आ गए, हमने कहा चलो यार वहीं रेस्ट करेंगे। हम दबड़ चल गए ऊपर भाई की जल्दबाजी में, लाइन ना रहे, हम वहां पहुंच गए। अब हम लोगों ने कोई बुकिंग नहीं करा रखी थी, बाद में पता लगा जब आप अर्धकुंवारी पर पहुंचते हो तो बुकिंग आपको नीचे से करानी होती है। हम तीनों ने भाई साहब चौबे को देखा, मैंने कहा 1 मिनट सोचने का समय दिया होता ना, कम से कम करा के आते। अब वहां पर आ गए, कह रहा है अब यहां तो रेस्ट कर ही नहीं सकते, एक काम करते ऊपर ही चलते, ऊपर ही ताम झाम मिलेगा। हम लोग फिर से अपना सामान उठाए, भाई साहब भागे ऊपर आ गए, ठीक है। अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ था, हम लोग खड़ाघट सोने के लिए, क्योंकि हमें रेस्ट करना है, ये वाला दिन एंजॉय करने के लिए हमें रेस्ट करना है, हम खड़ाघट ऊपर तक पहुंच गए। अब ऊपर हो गए तो उसने कहा कि भाई यहां नहा लो, ठीक है। नहाने के लिए गए, भाई साहब इतना ऐसा लग रहा है किसी ने बर्फ की सिल्ली लेके ऐसे मेरे सर पे मार दी हो, सही बता रहा हूं, इतना ठंडा पानी। मैं पानी के नीचे गया, मैं ऐसे ही रह गया, मैंने कहा भाई यहां से हटा भी ले मेरे को, ठीक है। उसने हटाया, थोड़ी देर के बाद जब मैं बर्फ पिघल गई हमारे शरीर पर से, मैंने कहा भाई अब ऊपर आ गए रेस्ट करना है। कह रहा भाई देखो नहा धो लियो, दर्शन कर लो और फ्री हो जाते हैं, फिर हम लोग टेंशन फ्री रहेंगे। मैंने कहा ये बात भी सही है। हमने रात के मतलब बहुत जो रात का समय था उसी समय दर्शन वर्शन कर लिए। फिर उसके बाद
वो कह रहा है भाई ये रात यात्रा पूरी नहीं होती, अभी और ऊपर जाना है। ठीक है, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, ऊपर वाले ऊपर भी एक मंदिर है ना, जहां पे कहते हैं कि यार पूरा जब तक आप ऊपर नहीं जाओगे तब तक पूरी यात्रा कंप्लीट नहीं होती। मैंने कहा भाई सोने कब देगा तू, ठीक है, खटाना और वो तो भाई साहब परेशान हो गए। ठीक है, हाँ अगर तुम कभी भी वहां जाओगे ना, तो जैसे ये रास्ता होता है ना, तो रास्ते के बीच में ऐसे रेलिंग सी थी, इधर से लोग इधर जाते हैं इधर से लोग इधर आते हैं। खटाना की हाइट है कम, पिलवान की हाइट है कम से कम 6-2, ठीक है, खटाना की हाइट है 6। तो ये कह रहे अरे यार चलने में दिक्कत हो रही है, वो कूदने की कोशिश करा, पांव अटक गया भाई साहब, घुटने के बल जमीन पे बैठ गया, दोनों घुटने की जो उसकी कटोरियां थी दोनों खराब हो गई, वो चल ही नहीं पा रहा, वो ऐसे ऐसे कर रहा, कह रहा भाई रुक जाओ यार थोड़ा सा तो रेस्ट दे दो यार प्लीज यार, है ऐसे ऐसे। हाँ भैरव बाबा, राइट। तो हम लोगों का ये हुआ कि भैरव बाबा के मंदिर पे चलते हैं, वो एंड पॉइंट है, वहां पर जाकर रेस्ट कर लेंगे। अब हम लोगों ने भाई थके हारे, मैंने कहा चल यार चलते हैं, कोई नहीं अगले 3 दिन हम लोग रेस्ट करके आएंगे। भाई साहब भगा भगा के भैरव बाबा ले गया, वहां पे भी दर्शन करा दिए। अब कह रहा है यार यहाँ पे रुकने का है ही नहीं, और सही में वहां पे रुकने का है नहीं, जो भी है आपका वैष्णो देवी माता के वहां पे मंदिर के पास है, नहीं तो अर्धकुआरी में भी थोड़ा बहुत है, नहीं तो नीचे। हम कह रहे भाई ओए ओए कहां ले आया तू हमें, सोएंगे कहां, यहां पे बंदर ही बंदर हो रहे हैं। कह रहा भाई अब नीचे चलना पड़ेगा। मैंने कहा यार अब तो सही में कोई ऑप्शन नहीं है, रात को यहां पे पहुंचा दिया, इतनी ठंड लग रही है। भाई साहब नीचे ले आया, हम परेशान। मैंने कहा भाई इसने जल्दबाजी के चक्कर में ना करते 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 पूरा ट्रिप मरवा दिया एक दिन में। भाई साहब मेरे पांव ना ऐसे हो गए थे, ये रहा अंगूठा, ये रही दूसरी उंगली, ये रही ऐसे 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 ऐसा पांव हो गया था मेरा। ठीक है, अंगूठा ऐसे गोल सा बन गया था, टिंडे जैसा। ठीक है, तुम्हें हंसी आ रही है, और फिर भी उसका रुका नहीं। हम कह रहे चल यार यहां पर रुक लेते, तो मुश्किल से उसने 2 घंटा दिया होगा। कह रहा भाई, और फिर घूमते हम सारे आराम से लेटे। मैंने कहा चलो यार ये तो हो गया, अब घूम लेंगे थोड़ा सा आसपास। तो ऐसे घूमते घूमते आया, कह रहा भाई देखो वो बोर हो रहा है चौबे। कह रहा भाई देखो 3 दिन क्या करोगे यहां पर, एक काम करते टिकट कैंसिल करवा लेते और कल ही निकल लेते यहां से। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, उसने वो बात 4-5 बार बोली, तो हमें भी लगा यार सही में 3 दिन हम करेंगे क्या, हो तो गया। ठीक है, वापिस चलते हैं। भाई साहब 2 घंटे रेस्ट करने के लिए दिए, और फिर वापस ट्रेन स्टेशन ले आया। पहले हम लाइन में खड़े अपनी टिकट कैंसिल करवाने के लिए कि पैसे आए तभी तो जाए, और फिर कह रहा है यार ट्रेन तो है ही नहीं टिकट कैंसिल कराने के, आज तो ट्रेन ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी कम है वहां पे ट्रेन की जब हम गए थे, अभी तो रोज रोज शायद हो रहा है, लेकिन पहले हमने कहा यार अब ट्रेन नहीं है तो हमने टिकट भी कैंसिल करा दी। कह रहा बस से चलते हैं। भाई साहब वो अलग ही प्लानिंग बना रहा है, मतलब उसने जो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई थी ट्रेन की टिकट का पैसा जो मिलेगा वो बस में डाल देते हैं, बस से चलते हैं रोड जर्नी एंजॉय करते हुए। मैंने कहा ये भी सही है, वैसे तो एसी की बस होगी आराम से सोते हो जाएंगे वॉल्वो में, पैसा की कमी नहीं है। भाई साहब 90 डिग्री पता है 90 डिग्री ऐसी बस में बैठा दिया उसने, रोडवेज की कुर्सी ऐसे। ठीक है, हमने तो सोचा था हम सीधे बिल्कुल पीठ सीधी करके जाएंगे, भाई साहब ऐसे बैठ के गए हम ऐसे, येरी मुंडी, कोई शॉकर नहीं, उतरा भी हूं ना तो मैं ऐसे उतर के ऐसे चल रहा था, पीठ अकड़ गई थी भाई साहब। 12 घंटे लगे ऐसे लेके आया यहां से बस, आप ये वाली देखो हम 12 घंटे ऐसे बैठे। उसने एक जगह रोका जहां पे कुछ खाने को मिलता ही नहीं था। अब इस सिनेरियो में 12 घंटे आप मान लो हम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, इस सिनेरियो में आप ओए मुंडी उड़ा दी। ठीक है, इस सिनेरियो में आप, अरे यार नहीं रुको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली में क्या हटाना है। अरे भाई साहब चलो कोई नहीं पहले इसको हटाते हैं। इस सिनेरियो में ना आप 12 घंटे के बाद, ठीक है, 12 घंटे के बाद कुर्सी हटा दो बस, ऐसी सिचुएशन में उतरे थे हम। ठीक है, हम लोग ऐसे चलते चलते घर गए, ये बैग टांग लिया बस हम लोगों ने। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये चैप्टर कब खत्म होगा चैप्टर कब खत्म होगा, इनको हमेशा टेंशन अगले की रहती है, अगला कर ले। अरे जो चल रहा है पहले वहां इंजॉय करो ना, वो तो सीख लो यार। 4 दिन की छुट्टी 1 दिन की बना दी, और घर पे घर वाले कह रहे ये पक्का ये लोग वैष्णो देवी गए नहीं है।
ठीक है, ये कहीं और घूमने के बहाने से हम लोगों को बड़गला गए, ठीक है। चार दिन में, एक दिन में कौन वैष्णो देवी घूम के आ भी जाता है? अब हम कैसे बताए, हमारे चौबे के पास सुपर शक्ति थी, हमको करवा दिया, ठीक है। हाँ तो बेटा, आज सभी लोगों को जब चैप्टर चल रहा है ना, तो वो चीज पे आप ध्यान दो यार, ठीक है, वो चीज पर आप ध्यान दो। आगे और कितने लेक्चर बचे हैं, यही सोच चौबे की थी, और वो कहता था आगे अभी और काम बाकी है भाई, उसको पहले कर लेते हैं। वो जल्दबाजी में गए गए, कुछ इंजॉय नहीं कर पाए। तो ये आपके साथ भी हो रहा है, आप जल्दबाजी के चक्कर में फिजिक्स इंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ बड़े आए, समझे।